नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबे कलियाकर। दो बज चुके हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का, यानी ये वो बुलेटिन है जहां देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में हम पहुंचाते हैं। मेरठ की पदयात्रा में अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। व्यापारी अभिषेक की हत्या के विरोध में पदयात्रा की रद्द। अमित शाह का विरोधियों पर निशाना, कहा यूपी में अखिलेश और मायावती ने नहीं किया विकास। अखिलेश ने दंगों पर एकतरफा कार्रवाई की। आगरा की रैली में यूपी के सीएम अखिलेश यादव का केंद्र सरकार से सवाल, पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। डीजीपी की तैनाती पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा पीपी पांडे को एक्सटेंशन देकर कैसे बना दिया डीजीपी। पंजाब और गोवा में कल वोटिंग है, आज डोर टू डोर कैंपेन का दिन है, सभी प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। पंजाब में कल की वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा है, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, गाड़ियों की भी कड़ी निगरानी हो रही है। चुनाव संहिता के उल्लंघन मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज देंगे चुनाव आयोग को जवाब, रिश्वत पर बयान को लेकर जारी हुआ था उन पर नोटिस। भगोड़े विजय माल्या के लोन डिफॉल्ट केस में सीबीआई कोर्ट आज करेगी सुनवाई, केस में हो चुकी है 8 बड़ी गिरफ्तारियां। दिल्ली के गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ने वाला मेट्रो बनेगा, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने ऐलान किया। बैंकों से कैश निकालने की लिमिट को हटाने पर फैसला जल्द आ सकता है, अभी एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की इजाजत है। कांग्रेस के दिवंगत सांसद ई अहमद को लेकर लोकसभा में हंगामा, सोमवार तक के लिए लोकसभा को किया गया स्थगित। ई अहमद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर आरोप, सीनियर नेताओं का हुआ अपमान, एक दिन के लिए बजट टालने की मांग की थी। संसद भवन परिसर में टीएमसी ने किया प्रदर्शन, सुदीप बंदोपाध्याय के लिए किया मार्च, केंद्र पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। एसएल मैक्सिस डील केस में 2G केस के स्पेशल पीपी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, मारन बंधु के साथ साथ सभी आरोपी स्पेशल कोर्ट से हुए थे बरी। मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी नाकेबंदी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक है, यूएनसी और मणिपुर प्रशासन के लोग होंगे इसमें शामिल। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, घुसपैठ के लिए बीएसएफ की चौकी को बनाया गया था निशाना। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने इस साल पहली बार तोड़ा सीज फायर, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। चेन्नई के समंदर में तेल रिसाव पर जहाजरानी मंत्री राधाकृष्णन का बयान आया है, अगले 1 या 2 दिन में सफाई का काम पूरा कर दिया जाएगा। चेन्नई के समुद्री तट पर अब भी खतरा, कोस्ट गार्ड की टीम तेल निकालने में जुट गई है, 2 पोतों की टक्कर से 1 टन तेल हुआ था लीक। चेन्नई में तेल रिसाव से पर्यावरण को खतरा है, समुद्री तट पर मरी पाई जा रही है मछलियां। रेप के दूसरे मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, राजस्थान और गुजरात में एक साथ ट्रायल शुरू करने से इनकार। नागालैंड में हिंसा के बाद हालात काबू में, कोहिमा में कर्फ्यू जारी है, सेना तैनात कर दी गई है, राज्य में मोबाइल डेटा सर्विस बंद। नागालैंड के हालात पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की लोगों से अपील, मिल बैठकर सुलझाए मसला। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द हालात होंगे सामान्य, हिंसा से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। नागालैंड के हालात पर केंद्र सरकार की नजर है, रक्षा मंत्री सुभाष भामरे का बयान, कहा हालात पर काबू पाने के लिए सभी बंदोबस्त है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग का घर फूंक दिया है, सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों को भी आग लगाई है। आदिवासी संगठन लोकल बॉडी इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का नागालैंड में विरोध हो रहा है, आगजनी और तनाव की वजह से चुनाव भी टला। यूपी के अंबेडकर नगर में टांडा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजू देवी ने अपनी जान को बताया खतरा, कहा पति की हत्या के दो आरोपी लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी के फरुखाबाद में दिव्यांगों के पेंशन में घोटाला, मतदाताओं की सूची और पेंशन पाने वालों की लिस्ट में भारी अंतर है। उत्तराखंड के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के 13 गांव के लोग नहीं करेंगे वोटिंग, ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान का अधिकार छीने जाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बाहुबली 2 के लुक में चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को। पंजाब में कल से ही 3 दिन के लिए बंद हुए सारे शराब के ठेके, चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से कहा पंजाब से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद रखी जाएं।
शिवसेना का बीजेपी पर हमला, सामना में लिखा बीजेपी में पारदर्शिता का दिखावा है। खुद की तारीफ में लिखा नंबर वन नगर पालिका बनकर बीएमसी ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। बीएमसी चुनाव में टिकट्स को लेकर कांग्रेसी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जुहू में सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने भिड़े गुरदास कामत और संजय निरुपम के समर्थक। बीएमसी चुनाव में एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, हर परिवार को 700 लीटर पीने का पानी, 101 रुपए में स्वास्थ्य बीमा और 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना में और बढ़ गई है खटास, शिवसेना के दो पार्षद नाना अंबोले और बी पांचाल बीजेपी में शामिल हुए। एमएनसी चुनाव के लिए कानपुर के साथ साथ तीन जिलों में वोटिंग जारी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा एक्सटेंशन के स्कूल में 8 साल की बच्ची गजल की मौत पर घर वालों ने उठाए सवाल, डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के बाहर बच्ची के माता पिता ने किया प्रदर्शन। बच्ची की मौत पर डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा समय से पहुंचा अस्पताल, बच्ची को पहले भी सिर में दर्द हुआ था, माँ बाप को भी खबर थी। बच्ची की मौत पर स्कूल के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज, सर्किल ऑफिसर कर रहे हैं केस की जाँच। 31 जनवरी को स्कूल की तरफ से एक कराटे कंपटीशन में गई बच्ची की हुई मौत, स्कूल पर लापरवाही का ये आरोप है। बच्ची के परिवार ने देर से खबर करने पर उठाई स्कूल पर उंगली, परिवार के स्कूल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी गजल की मौत। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में महिला की बेरहमी से पिटाई, बहस के बाद गांव के सरपंच पर मारपीट का आरोप है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, गाँव के लोगों की भी की पिटाई, नक्सलियों का विरोध कर रहा था। बेंगलुरु में युगांडा की युवती की हत्या, पैसे को लेकर बढ़ा था विवाद। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों का नोएडा में ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में 7 लाख लोगों से 3,700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की खबर। खटीमा में पुलिस ने 9 लाख के जेवरात के साथ दो चोरों को गिरफ्तार किया है, चोरी के कई मामले में आरोपियों की तलाश थी पुलिस को। रुद्रप्रयाग में नदी से 20 दिन बाद मिला पौड़ी के केंद्र विद्यालय की छात्रा आशना भंडारी का शव, 13 जनवरी को स्कूल के टूर के दौरान फिसल कर गिर गई थी नदी में। लखनऊ में ट्रेनों से मोबाइल और लैपटॉप उड़ाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, रेलवे पुलिस ने मास्टरमाइंड अरुण को गिरफ्तार कर लिया है, साथियों की तलाश अभी जारी है। यूपी के चंदौली में मानव रहित क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से टकराई एलपीजी सिलेंडर से भरी गाड़ी, गनीमत है कि सिलेंडर फटे नहीं, ड्राइवर भी पहले ही कूदा। सवाई माधेपुर की गंगापुर सिटी में नाबालिग से गैंगरेप, बच्ची के पिता ने लिखवाई रिपोर्ट, आरोप 3 लड़कों पर। बंगाल से लापता लड़की की भोपाल में हत्या, प्रेमी ने दिसंबर में हत्या करने के बाद घर ही में गाड़ दी थी लाश। ग्वालियर में 10,000 की रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई, जमीन की एनओसी के लिए एक से मांगे थे 50,000 रुपए। एमपी के मंदसौर में एक शादी समारोह में लाखों के गहने चोरी हो गए, बैग ले जाते वक्त सीसीटीवी में दिखा चोर, अच्छे कपड़ों की वजह से घर का ही समझ रहे थे सब। एमपी के दमोह में बिना नोटिस के चढ़ा दिया गया मकानों पर बुलडोजर, प्रशासन ने बिल्डर पर की कार्रवाई, गाड़ियां भी की गई जब्त। भोपाल से सटे सीहोर में आपसी रंजिश में बेरहमी से हुई हत्या, जीप से कुचलने के बाद बांध कर घसीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन आरोपी फरार है। राजस्थान के बांसवाड़ा में नाबालिग लड़की की लाश मिलने से सनसनी मच गई है, हत्या से पहले रेप किए जाने का अंदेशा है, आरोपी का सुराग नहीं। ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर आनंद अग्रवाल की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, रुपयों के लेनदेन पर विवाद था, बाकी 4 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में थाने के सामने युवक पर हमला हुआ, लाठी डंडों से पीट कर फरार हुए आरोपी, किसी को नहीं पकड़ पाई पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत हो गई है, अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। राजस्थान के बूंदी में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है, हिडोली के हाईवे नंबर 52 पर यह वारदात हुई है। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने रिहा कराए 12 बाल मजदूर, होटल्स और सड़क पर काम कर रहे थे, बाल संरक्षण ने भेजा। सोशियोलॉजी की किताब के विवाद पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने जांच के आदेश दे दिए, कहा 4 साल पहले छपा लेकिन अब भी कोर्स में बरकरार है। महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी स्कूल की सोशियोलॉजी की किताब पर विवाद है, किताब में दहेज प्रथा पर आपत्तिजनक बातें हैं, लड़कियों की बदसूरती को बताए वजह। किताब में दहेज प्रथा को लड़कियों की सुंदरता और धर्म से जोड़ने पर अजीब तर्क है, किताब 3 साल से पढ़ाई जा रही है कोर्स में। शारदा घोटाले में आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, मतंग सिंह की 63 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त।
प्रवर्तन निदेशालय ने सारदा स्कैम में पांचवी बार जब्त की है आरोपियों की संपत्ति। अब तक 700 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है जब्त। ललितपुर में ऑटो वाले को रस्सियों से बांध कर ले गई पुलिस। शराब पीकर ऑटो चलाने का आरोप है। अस्पताल ले जाने पर कर रहा था हंगामा। कर्ज से परेशान होकर राजस्थान के चूरू में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक किसान। कलेक्टर से बात कराने का भरोसा दिया, तब जाकर 8 घंटे बाद उतरा। जयपुर में 4 दिन के धरने पर बैठे होमगार्ड जवानों में से 7 की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। पेंटर हेमा उपाध्याय और उनके वकील के मर्डर में हेमा के पति चिंतन उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना पहली नजर में बनता है हत्या का मामला। मुंबई के चर्नी रोड स्टेशन पर बाल बाल बची ट्रैक पर चल रही महिला। लोकल ट्रेन के ड्राइवर ने नजर पड़ते ही लगाया इमरजेंसी ब्रेक। पटना के लोग आज सिटी बसों के भरोसे हैं। कई मांगों को लेकर 10 यूनियन के 22,000 ऑटो वाले हड़ताल पर हैं। तेलंगाना के मूसी नदी का प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। औद्योगिक कचरे की वजह से नदी का पानी पीने लायक नहीं बचा। महाराष्ट्र में पहली बार मुंबई के बाहर ट्रांसप्लांट। औरंगाबाद में ब्रेन डेड टीचर अनिल पाटिल का हार्ट एक किसान श्रीमंत थोरात को लगाया गया। 5वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में आज से शुरू हो गया है। 5 फरवरी तक भारत के अलावा इंडोनेशिया, ताइवान और फिलिस्तीन की कठपुतलियों का कमाल दिखेगा। शिमला में बर्फबारी थमने के साथ डबल हुआ सैलानियों का मजा। कुफरी में अब स्कीइंग का मजा ले सकते हैं लोग। 2 दिन से मौसम भी बेहतर है। सूरत के मंदिर में दिखा डिजिटल आरती का नजारा। श्रद्धालु दे रहे हैं कैशलेस चढ़ावा, POS मशीन से चढ़ावा। BSE की शानदार लिस्टिंग। 806 रुपए के इशू के मुकाबले 1,085 रुपए पर लिस्ट। करीब 50% तक की दिखी तेजी। जियो की वजह से वोडाफोन इंडिया के रेवेन्यू में 2% की कमी आई है। आइडिया सेलुलर के साथ मर्जर की बातचीत को भी स्वीकार किया। 31 मार्च तक जारी रहेगी जियो की फ्री सर्विस। ट्राई ने जियो के टैरिफ को दी क्लीन चिट। कहा जियो के टैरिफ से नियमों का उल्लंघन नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लेट, लतीफी पड़ेगी भारी। इनकम टैक्स विभाग लगाएगा 10,000 तक की पेनाल्टी। दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बुझाएगा चिली की आग। अमेरिका से चिली पहुंचा हेलीकॉप्टर S-64 स्काई क्रेन। नहीं बुझी चिली के जंगलों में लगी आग। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है आग से। 3800 स्क्वायर किलोमीटर जंगल तबाह हो चुका है। कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर स्विस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। ज्यूरिक से लॉस एंजलिस जा रहा था, इंजन में आई थी खराबी। पूर्वी चीन के जेजियांग में 5 मंजिला इमारत गिरने से 14 घंटे बाद मलबे से निकाली गई 63 साल की बुजुर्ग। अमेरिकी अखबार डेली के खिलाफ $150 मिलियन का केस खारिज हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्नी मेलानिया ने किया था मानहानि का उन पर केस। उबर की CEO ट्रेविस क्लैनिक ने ट्रंप के बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। ईमेल में लिखा ग्रुप में शामिल होने का मतलब राष्ट्रपति के एजेंडे में शामिल होना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल के दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ रेफ्यूजी डील पर खड़े किए सवाल। पूछा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हजारों रेफ्यूजीज को लेने पर क्यों हुआ राजी। डोनाल्ड ट्रंप ने मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की है। नाफ्टा पर बातचीत को बढ़ाना मकसद था। यूक्रेन में अपने मिलिट्री प्लेन पर ब्लैक सी पर उड़ान के दौरान हमले की बात कही है। यूक्रेन ने रूसी नेवी पर लगाया आरोप, प्लेन सुरक्षित है। चीन में द्वीपों की संख्या 11,000 से ज्यादा है, एक सर्वे में सामने आया आंकड़ा। विवादित ईस्ट एंड साउथ आइलैंड भी इसमें शामिल है। लंदन के मशहूर क्यू गार्डन्स में इस बार भारत की झलक देखने को मिलेगी। बगीचे में फेस्टिवल के दौरान भारतीय रंग और खूबसूरती नजर आएगी। 9 फरवरी से होने वाले टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की टीम हैदराबाद पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा सिर्फ एक टेस्ट। लाइन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में लीग मैच में टीम इंडिया की जीत। इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। दंगल की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी से गीता यानी फातिमा शेख खुश है। कहा बेटियों को लेकर फिल्म ने काफी बदला लोगों का नजरिया। पद्मावती पर खत्म नहीं हुआ है विवाद। राजस्थान के डिडवाना में संजय लीला भंसाली, दीपिका और रणवीर के खिलाफ कोर्ट में दायर हुआ केस। फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बिल्डर पर ठीकरा फोड़ दिया है। इरफान खान की भी बढ़ सकती है मुश्किल। मुंबई पुलिस ले रही है कानूनी सलाह। फिल्म जॉली LLB 2 के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंच गए अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी। 10 फरवरी को रिलीज होनी है ये फिल्म।